नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था और यह दिन हरियाली तीज का था। दोस्तों, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म के बाद याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती थी, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी गर्मी बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वह अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब ये बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गईं, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई, तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहाँ तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुँच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही। पर्वतराज तुम्हारे ना मिलने से परेशान थे। वह इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने रेत का एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए। तुम्हें वहां देखकर पर्वतराज बेहद खुश हुए। तुमने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है और आज यह तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार हैं, तो मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया। हे पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूँगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। हे भोलेनाथ, इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करिएगा। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।